आदाब नाजरीन दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खसूस प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं दोस्तों दखनी और हैदराबादी बोलचाल पर फिल्में बन रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं ये फिल्में न सिर्फ हमारे हैदराबाद बल्कि पड़ोसी रियासतों में भी रिलीज़ की जाती है इसके अलावा भी यूट्यूब के जरिए लाखों शायक इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हीं फिल्मों से रिलेटेड इन फ़िल्मों के वो आर्टिस्ट आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें आप और हम गुल्लू दादा के नाम से जानते हैं यानी मेरी मुराद है अदनान साजिद खान गुल्लू दादा जिन्होंने 2007 में एफएम के ज़रिए अपने कैरियर की शुरुआत की और लाखों शायकन के पसंदा एक्टर बन गए तो हम आपसे मिलवाते हैं अदनान साजिद खान यानि गुल्लू दादा से आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में जी मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके जानी साहब बचपने में जो है ख्वाहिश थी कि दूरदर्शन में एक बार ज़रूर जाएं तो आज 54 इयर्स का हो चुका हूँ मैं तो आज जाके मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है तो मैं आज बेहद खुश हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ये बोलते ना है कि ये अपनाइय है ये ये जो यानी कि जो जिसका है जिसका बचपने से लगाव है दूरदर्शन से बेशक बचपने में जो है जब टीवी खोलते जो म्यूजिक आती थी आए है वह भी माइंड में है तो बहरहाल एक अच्छा लगा यहाँ पे आके माशाल्लाह और एक बचपने से जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई बेशक शुरुआत हम वही घिसा पिटा पुराना सवाल आपके कैरियर की जो शुरुआत हुई वो कैसे है कैरियर की शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को गाने का शौक़ था तो गाने मेरे अजीज़ जो दोस्त थे अजीज नासिर हीरो उनको मैं बुला रहे यारो आज कल हैदराबादी फिल्में बहुत बन रही हैं और उस वक्त हैदराबाद नवाब जो है बहुत ही सुपरहिट जा रही थी तो मैं अगली फिल्म वो लोग बना रहे थे एफएम तो मैं बोला एफएम में मेरे को एक आध गाना दो अजीज़ तो अजीज़ बोले कि प्रोड्यूसर आर के मामा जो है रामाकृष्णा जी जिनको हम आर के मामा कहते हैं तो मामा से मिलो आपका काम हो जाएगा तो मैं मामा के पास गया ऑफिस तो आर के साहब जो है दस सेकंड में उन गाना तो दूर की बात है वो मेरे चेहरे को देख के बोले अरे यार तुम एक कैरेक्टर है वो करो तो वो मामा आर के मामा का दिया हुआ नाम है गुल्लू दादा तो वो कैरेक्टर का जो है स्क्रीन टेस्ट हुआ तो मैं इसमें कामयाब हो गया सब खुश हो गए तो डायरेक्टर जो शेखर सूर्या डायरेक्टर थे उसके जी तो बोले कि नहीं नहीं ये कैरेक्टर को और बढ़ाएंगे और ये फीचर की मेन कैरेक्टर बनाएंगे अच्छा तो वैसा मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ और बाद में जो है इसको पब्लिक ने बहुत पसंद करी इतना पसंद करी कि जो हैदराबाद का गब्बर सिंह कैरेक्टर गया <laughs> सही बात है अदान साजिद खान साहब यानी गुल्लू दादा आप बन गए हैं लेकिन आपने अपना कैरियर तलाश किया था बहसीत गुलोकार जी लेकिन आप बन गए एक्टर तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक्टर और सिंगर में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं एक्टर जो है वो झूठा होता <laughs> सिंगर जो है वो सच्चा रहता है क्योंकि वो दिल से गाता है अच्छा गाना जो है दिल से गाया जाता है रूह से गाया जाता है लेकिन एक्टिंग तो झूठी ही रहती आप किसी का नकल करते हैं कभी आप कोई गुंडे बन जाते हैं कभी हीरो बन जाते हैं यानी आप नकल कर रहे हैं यानी झूठ है वो। तो वो फ़र्क है इसमें सच और झूठ का फ़र्क है लेकिन मज़ा दोनों में है अच्छा दोनों में मज़ा है अगर जब तक पब्लिक पसंद करी है। नहीं लेकिन एक बात है कि क्योंकि आप एज ए सिंगर काम कर रहे थे तो आपको एक्टिंग का ज़्यादा तजुर्बा नहीं बिल्कुल था। नहीं था चाहिए लेकिन उसके हाँ। बावजूद भी इस चैलेंज को आपने कबूल किया हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों की दिलों की धड़कन बने हुए हैं तो, तो कितना चैलेंज रहा होगा आप चैलेंज तो हर फील्ड में रहता है लेकिन ये चैलेंज ऐसा था कि बोल दे गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं अब इसको अच्छा कि मेरे मुँह से निकला और जो भी डायलॉग रहता खामोश बैठ एडवांस बांधा नक्को कर यानी कि इस तरह का जो मेरा स्टाइल था बोलने का वो लोगों को इतना पसंद आया इतना पसंद आया कि बस मैं गुल्लू दादा बन गया और जो है लोगों के दिलों में ऊपर वाले के अल्लाह की फ़जलोक करम से आ गया तो वैसा हुआ बाइक ये गॉड गिफ्ट है ये ऐसा ये सोचा नहीं कि कभी क्योंकि आप, आप भी जानते हैं मैं आपके साथ भी तकरीबन एक पाँच साल छः साल हम साथ में ऑर्केस्ट्रा में थे तो इस तरफ तो अपना ध्यान ही नहीं था बेशक तो ये बोलते ना कि ज़िंदगी जहाँ ले जाना है वहाँ ज़रूर लेके जाती है सिर्फ़ आपको जो है थम के ठहरना है उस जगह पर अगर आपके दिल में कुछ है तो इसी फील्ड में मिला इंटरटेनमेंट फील्ड में ही मिला मेरे को मौका लेकिन एक अलग तरीक़े से मिला जो मेरे लिए सरप्राइज़ था और नया था और फिर ये ये जो कैरेक्टर जो गुल्लू दादा का जो इस्टेब्लिश हुआ वो ऐसी नहीं हुआ आप बिलीव करेंगे मैं रात में दो दो बजे तक तीन तीन बजे तक आईने के सामने ठहर के डायलॉग्स की रिहर्सल करता था कि सुबह में मेरे शॉर्ट्स हैं इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे मेहनत करा बहुत में मेहनत करा तो उसका थोड़ा बहुत फल मिल गया सब बेशक आदान साजिद खान साहब गुल्लू दादा जब आप बने हैं तो वो पहली फिल्म यानी वो जो रोल था वो विलेन टाइप का था जी लेकिन उसको बुज़ुर्गों से लेके छोटे बच्चों तक इतना प्यार दिया इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न है देखिए अब जैसा कि गब्बर सिंह है गब्बर सिंह भी बच्चों में भी पॉपुलर था बड़ों में भी फैमिली फैन फॉलोइंग थी गब्बर सिंह हालांकि खतरनाक विलन था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ समझे कितने आदमी थे बोलते डर जाते थे लोग इतना बड़ा विलन लेकिन वो बच्चों में भी पॉपुलर था बड़ों में भी पॉपुलर तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो अगर आप सही तरीके से पेश करें तो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं तो वैसे ही हुआ तो गुल्लू दादा जो कैरेक्टर था वो गुंडा कैरेक्टर था लेकिन उसकी एक अंदर एक मासूमियत थी वो लोगों को पसंद आई वो लोगों को कैच करे लोग और जो है वहाँ से जो है मेरे को थोड़ा सा नाम हो गया बेशक अच्छा हर इंसान का एक बैकअप प्लान होता है तो आपका क्या प्लान था इन फिल्मों से जुड़ने से पहले कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक एक्टर बन जाऊंगा या फिर एक सिंगर बन जाऊंगा। नहीं प्लान तो सिंगर ही था <laughs> लेकिन अब सोचता हूँ कि जो एक्टर बन गया अच्छा हुआ क्योंकि आजकल जो जो रियलिटी रियलिटी शोज जो आ रहे हैं उसमें देखे तो इतने इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसा गा रहे हैं शर्म आ रही है अच्छा ही हुआ मैं वाला एक्टर बन गया मैं सिंगर नहीं बना मैं वाला <laughs> क्योंकि टैलेंट्स तो कुट कुट के आए जब से ये जो है ये जो सोशल मीडिया वो हुआ है तो टैलेंट्स तो भयंकर जो है माशाल्लाह से जो है निकल के उबल के आ रहे हैं तो ये सब देख रहे थे जब जो बच्चे इतने अच्छा गा रहे हैं मेरा तो कुछ भी नहीं उनके सामने मैं बोला अच्छा हुआ मैं एक्टर बन गया <laughs> अच्छा अदनान साजिद खान साहब वो कौन सा कैरेक्टर रहा होगा जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत सारी आपने फिल्में की हैं कैरेक्टर बहुत है मैं दादा तो करा ही लेकिन अब जैसा कि बोलते हैं ना हर एक का एक फेवरेट कैरेक्टर होता है एक जो हो रहा था मेरी एक पिक्चर थी फैमिली पैक जी उसमें मैं डबल रोल करा था जी थाउजेंड uh, टेन में आई थी फिल्म वो पिक्चर में मैं डबल रोल करा था वो एक पिक्चर और एक हीरो हैदराबादी करके टू में आई थी ये दो पिक्चरों के जो कैरेक्टर्स थे तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मेरे को इंतहा से ज़्यादा मेहनत खास करके हीरो हैदराबाद में तो बहुत मेहनत करना पड़ी डायरेक्टर आनंद थे उसके अच्छा काम लिए उन्होंने मेरे से तो लेकिन बहुत हद से ज़्यादा मेहनत छः सात कैरेक्टर प्ले करा था मैं वो पिक्चर में तो लेकिन जब बहुत मेहनत कर रहे बाद से जो है वो जो क्रेडिट जितना मिलना है उतना नहीं मिलता बाज़ वक्त आपको दूसरी जगह मिल जाता तो वैसे ही हुआ है हालांकि गुल्लू दादा से ज़्यादा मेहनत करा मैं इसमें लेकिन उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना गुल्लू दादा में मिला लेकिन जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते आप वो जो है मिला मेरे को वो मिला हीरो हैदराबादी और फैमिली पैक से अच्छा दो आपकी पसंदा फिल्मों में तो जी तो जब हम बात करेंगे हीरो हैदराबाद की तो आपने डिफरेंट डिफरेंट उसमें करेक्टर निभाए हैं जी तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आप कहाँ से ले आते हैं देखिए आप शौक जिसको शौक़ रहता बचपने से फिल्में देखते थे बचपनों से गाने सुन रहे हैं बचपने से जो है फिल्में देख रहे हैं बचपनों से एक्टिस्ट मेरे कई आर्टे धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं तो अभी भी हूँ लेकिन अब रहता ना एक एज के बाद ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता लेकिन जब मैं छोटा था हम जवानी में तक जो है बचपन में धर्मेंद्र साहब के इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं अगर कोई धर्मेंद्र को कुछ बोल दिया तो मैं लड़ता था उससे अच्छा हाँ कुछ नहीं बोलना बोलता था धर्मेंद्र को कुछ नहीं बोलना अच्छा तो इतना फैन था हमें धर्मिंदर तो शौक़ है शौक़ होते 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 जो है इंसान के अंदर जो देखते देखते थे ऑब्जर्वेशन ख़ुद ब खुद बाखुद आते जाता वो ऑब्ज़र्वेशन आया उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब देखते देखते उनको भी अब ऑब्ज़र्वेशन अरे ये सर ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन होते 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 आपके माइंड में बैठती जब आपको मौका मिलता कोई ब्रेक मिलता तो आप उसको यूज़ करते हैं तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ समझो अच्छा नहीं लेकिन अब देखिए आप अलहमदिल्ला एक सेलिब्रिटी है आप आम मकाम पर जा नहीं पाते तो अब इसके आर्टिस्ट जो होता है जो रोल के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है तो आप किस तरीके से ऑब्जर्वेशन ये हाँ यहाँ जो आम कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं वो तो वो तो खैर देखिए अब बचपन से देखते आ रहे हैं लोगों को हर किस्म के लोगों से मिले दुनिया में अच्छों से बुरों से दिमाक़त <laughs> भरों से सादगी भरों से हर चीज हर किस्म के लोगों से मिले ज़िंदगी इतना तजुर्बा है कि माशा सा फिफ्टी फोर रनिंग है मेरा तो तजुर्बे तो बहुत हुए ज़िंदगी में हर तरीक़े के लोगों से मुलाकात हुई तो वो जो तजुर्बा होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है अच्छा वो तजुर्बा जो है आपको लेके जाता है एक ऐसे प्लेस पे लेके चले आता है कि जहाँ पे आप जो है हाँ ये कैरेक्टर है मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ हाँ ये कैरेक्टर है मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ ये आपके अंदर ख़ुद ब खुद आ जाता है इसका तो। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फ़े के बाद आप जिस वक्त स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े पहले आप जो गाने गाते थे हाँ। उसके बाद आपने डबिंग भी किया जी हो जी हो। और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपने गाने गाए हाँ। और साथ साथ जी वो तजुर्बा जरूर मेरा जो आर्केस्ट्रा का जो दौर था 96 97 98 नाइन्टी चार पाँच साल उस दौर में मैं यूसुफ खान साहब तबलिस्ट उनके थ्रू में इस लाइन में आया हूँ जहाँ पे आपसे भी मुलाकात हुई हमारे जो सिंगर हैं मीना जी उस्मान भाई जो हैदराबाद के अच्छे टॉप सिंगर्स थे ये लोगों से भी वहीं मुलाकात थी उस ग्रुप में मैं चार पाँच साल रहा तो प्रोग्राम्स करते थे हम आप भी थे उसमें तो जो पब्लिक अपेरेंस रहता ना वो भी स्टेज पर एक पब्लिक इंटरेक्शन रहता आपका पब्लिक से तो वहाँ से क्या होते, होते 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 मेरा जो पब्लिक का फेयर पब्लिक फेयर वो निकल गया वहाँ वो एक फ़ायदा हुआ मेरे को जो मेरे को एक्टिंग में काम आया अब भाई एक्टिंग में पाँच सौ लोग रहते हैं यहाँ पे आपके कैमरे रहते कैमरा मैन यूनिट के लोग ये अब आप सब के सामने आप कुछ हर किस्म के रोल हर किस्म का एक्टिंग करना पड़ता वो वहाँ पे मुश्किल नहीं हुई वो मेरे को क्या काम आया बोलते जो अपने चार पाँच साल स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा मैं ऑर्केस्ट्रा में तो पब्लिक फेयर निकल गया मेरे अंदर पब्लिक फेयर जब आर्टिस्ट के अंदर से निकल जाता तो वो आर्टिस्ट अगर खुले अल्फाज में बोले तो बेगैरत हो जाता तो उसको हैरत नहीं रहती कुछ भी बोलो जो करने से पड़ जाता क्योंकि आम जिंदगी में आप एक बहुत ही शर्मीले जी शाही किस्म के हैं लेकिन जब आप फिल्म में जब कैमरा ऑन हो जाता है सही है तो आप सब कुछ भुला देते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि मैं इसी को एक्टिंग बोलते देखो अच्छा <laughs> अब कुल्लू का मेरे को मिलते है? अरे आप गुल्लू दादा ही है बोलते है? अब यूँ करके बताना पड़ता <laughs> जब अरे हाँ गुल्लू दादा है तो ऐसा है तो यानी कि आर्टिस्ट वही है जो स्क्रीन पे नजर आए आम जिंदगी में अगर भी सेम रहेंगे तो फिर वो आर्टिस्ट कहाँ से रहेंगे तो भाई ये जो ऐसा है वैसी स्क्रीन पे भी क्या एक्टिंग कर रहा है नहीं कुछ भी नहीं कर पा <laughs> तो वो रहता तो आर्टिस्ट को जो है एक बार में जैसा मेरे को मेकअप लग जाता तो उस हिसाब से जोश आ जाता अंदर बोलना ना अभी आपको मैं गॉड गिफ्ट है इसमें कोई अपनी बड़ा ही नहीं है गॉड गिफ्ट है वो नहीं लेकिन देखिए अदनान साजिद खान साहब हम जो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी अटेंड नहीं करते जी ओ जी बहुत खींचे खींचे रहते हैं नहीं इसकी आ, जी।, जी एक वजह यह भी है कि मैं ज़्यादा होम सिक हूँ घर में रहना पसंद करता <laughs> अभी से नहीं पहले से ही तो जिसको घर में जब आदत हो जाती तो उसको जो है बाहर निकलना और किसी से मिलना झुलना ये जो है बहुत मुश्किल हो जाता कई लोग समझते हैं अरे बहुत एटीट्यूड है वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी एटीट्यूड नहीं है एक पैसे का एटीट्यूड नहीं है मेरे को क्योंकि मेरे को भी मालूम है मरे बाद ख़बर में जाना है कोई भी चार जने होना उठाने को ले आके डाल देते ख़त्म इंसान की यही हकीकत है या ख़बर में जाता है या शमशान में जाता नथिंग एल्स उसका कोई हकीकत ही नहीं है इंसान का तो मेरी माइंड में शुरू से है मेरे को बचपने से है माइंड में मैं एटीट्यूड ये आई डोंट केयर तो मैं जो है हमेशा से ले, लेकिन क्या है होम सिक जो आदमी रहता है जो घर में रहना उस जैसे ज़्यादा पार्टीज दावत ये अटेंड नहीं करता मैं मेरे को नहीं पसंद है तो नहीं करता फिर भी खरीब के लोग हैं जो है जिनका नाम चले गया चले गया अब तो ये कोरोना के जब से तो हर चीज़ बंद पूरे है पूरे को बंद हो गई मेरे लिए थोड़ा फायदा <laughs> भी हो गया <laughs> बारे <laughs> बारे <laughs> अच्छा बहाना होगा मेरे को कोरोना है मैं कहीं नहीं कर रहा अच्छा अपनी कामयाबी का क्रेडिट आप किसे देंगे मेहनत स्मत या फेम नहीं मेरी कामयाबी का क्रेडिट मैं जो मेहनत को दूंगा अच्छा जैसा कि मैं भी आपको सुना रहा था हम वो कंटिन्यू करना चाहूँगा मैं कि आर्केस्ट्रा से जो है मेरी ऑर्केस्ट्रा में गाते गाते मेरी मुलाकात हुई एक म्यूजिक डायरेक्टर थे शशि प्रीतम गुलाबी करके एक पिक्चर आई थी नाइन्टी सिक्स में जी। चक्रवर्ती जी, जी, हीरो थे उसमें वो पिक्चर के म्यूज़िक डायरेक्टर थे शशि प्रीतम उनके पास मैं एज ए असिस्टेंट जॉइन हो गया अच्छा तेलुगु मूवीज़ में मेरे को भी तेलुगु थोड़ी अच्छी आती ज़्यादा नहीं थोड़ी अच्छी आती उनके साथ ज्वाइन हुआ मैं एज ए तो उनका ने कुछ सिंगरिंग चांस मिल जाएगा बैक सिंगिंग मिल के उनके पास ज्वाइन हुआ उनके साथ मैं तकरीबन तीन चार साल था अच्छा उस तीन चार साल में मैं काफ़ी सीखा बहुत कुछ सीखा हम लोग जो है बड़े जैसे कि मर्डर पिक्चर आई थी ना इमरान हाशमी उसको तेलुगु में डब किए थे हाँ तो हम लोग पूरा वो पैकेज लेते थे डबिंग का अच्छा तो मैं इसमें डबिंग भी करता था प्लेबैक भी मेरे को मिल गया वहाँ पे अरे क्या बात है जैसा वो गाना था ना मर्डर का कहो ना कहो ना ना ना। वो गाना मैं तेलुगु में गया था तेलुगु डबिंग में अच्छा तेलुगू यानी अच्छा तो वहाँ पे ब्रेक मिल गया था अब वो तो डबिंग पिक्चर का ब्रेक कैसा रहता था आपको तो मालूम कोई देखते मेरे ऊपर से वो अलग ही पिक्चर्स थे बहुत कम <laughs> लोग देखते थे थोड़ा तो खैर काम एक्सपीरियंस अच्छा दुनिया में कोई भी काम करते आप उससे एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल होता चाहे उसमें फ़ायदा नहीं होगा आपका लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल होता ये मैं आपको बोल दे रहा रूम तो शशि प्रीतम साहब के पास मेरे को चार साल काम करने में बहुत एक्सपीरियंस गेन करा मैं कई लोगों से मिला वहीं पर संजय दत्त आए थे उनके पास रुद्रक्ष पिक्चर के बैकग्राउंड म्यूज़िक की उम्मीद ये थे शशि भाई संजय दत्त से मुलाकात हुई सुनील शेट्टी से मुला मुलाकात बता रहा हूँ लोगों से मिलना देखना कि अरे लोग क्या है क्या कर रहे हैं लोग क्या काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं ये सब ऑब्जर्वेशन चलते रहा मेरा उसी दौरान वहाँ पे अजगर आ रहे थे सलीम के पास सलीम नाम है उनका अजगर मस्त जी, जी, जी सलीम फेकू बोलते हैं यानी आप जिक्र कर रहे हैं सलीम सलीम फे सलीम फेकू अंग्रेज़ के अंग्रेज के सलीम फेकू साहब जो है शशि प्रीतम के पास आए इसमाइल भाई इस्माइल भाई का ओरिजिनल नाम है धीरचरण श्रीवास्तव अच्छा तो धीरचरण श्रीवास्तव थे शशि भाई के ब्रदर इन इला तो धीरचरण श्रीवास्तव के साथ सलीम फेकू जो है स्टूडियो को एक दिन आया वो लोग बोले कि हम लोग एक पिक्चर प्लान कर रहे हैं अंग्रेज़ अच्छा वहाँ पे चली वो बातचीत चली पिक्चर के बाद आर के मामा भी ज्वाइन हुए वो पिक्चर बनाए उस फिल्म के मेकिंग के दौरान अजीज मेरे को आप बोले थे कि अरे भाई ये चार जनों का ग्रुप है उसमें आप भी करो तो मेरी एक थिंकिंग थी जो गलत निकले मेरा एक यानी जो डिसीजन था वो गलत हुआ वो ये कि वो लोग बोले कि करो तो मैं अजीज़ को मुझे सोच लिया कि कौन देखते ये हैदराबादी है है जबान नहीं देखेंगे लोग आई ये नहीं चलता ये बोल के मेरे माइंड में आया मैं नहीं करा वो पिक्चर थोड़ा ईजी लिया वो लोग करे वो लोग रातें रात स्टार बन गए अंग्रेज़ तो भेंच मार गए ऐसा हो गया फाउंडेशन है हैदराबादी फिल्मों का वो बहुत बड़ी हिट पिक्चर है अंग्रेज़ वो करे बाद में मेरे को मैं मैं, गलत निकला उसमें लोग बहुत देखे वो पसंद करें खैर वो दौर हो गया ख़त्म हो गया उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद फिर जो है हैदराबाद नवाब्स आई है। वो तो इतनी बड़ी हिट हुई इतनी बड़ी हिट हुई बाद में एफएम आई फिर एफएम में मेरे को मौका मिला सिर्फ अच्छा एक चीज़ एफएम से तो आप जुड़ गए लेकिन जिस वक्त अंग्रेज में आपको ऑफर किया गया उसके बाद हैदराबाद नवाब्स क्योंकि ये टीम जो थी आपके दोस्ताना तल्लु भी हो अच्छा हैदराबाद नवाब्स में भी एक कैरेक्टर था साजिद करके जो कुछ था कैरेक्टर वो कैरेक्टर को भी पूछे थे मेरे को जी जी मगर मैं जब ख़तर में था अच्छा तो मैं वाला ख़तर में हूँ तो नए नई शूटिंग भाई आपने कुछ ना कुछ बहाने से मैं हट गया पिक्चरों से क्योंकि मेरा ब्रेक वहाँ आना था ना गुल्लू दादा <laughs> तो है लेकिन एक बात ये है साजिद भाई कि ये लोग जब आपसे जुड़े जब आपसे दोस्ती थी तो कहीं ना कहीं आपको मायूसी या फिर थोड़ा सा एक किस्म की लोच होती थी अंग्रेजी बात हुई थी मेरे को हाँ. अंग्रेज के बाद जब अंग्रेज बड़ी हिट हो गई ना तो मेरे को अरे मैं कहीं को नहीं करा पिक्चर ये मैं बहुत बड़ी गलत यानी यार कहीं को नहीं किया अपने आप को बोलिए अफसोस अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ मेरे को अरे मैं कर लेना था भी ये आज मैं भी पॉपुलर हो जाता था ऐसा ऐसा सोच लिया मैं अब चिर चुप पड़ गया जान लो देखेंगे फिर कैसा भी ये ग्रुप तो है तो टच में हूँ मैं आज नहीं कल फिर मिलेंगे फिर उसके बाद हैदराबाद में उसमें जब वर्ल्ड को बोले वो ऐसे टाइम पे बोले मैं ख़तर में था जब फिर ऐसा होते होते वो बोला ना आपको किस्मत लाना था वो गुल्लू दादा पे तो फिरते फिरते जो है रोला कोस्टर जाए आके वहाँ पे रुकी वो गुल्लू दादा पे इसमें क्या है मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं थोड़ा और मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे मिसेस का मेरे बच्चों का सब जान बहुत कुछ बर्दाश्त करे <laughs> <laughs> मेरे को तो ना जितना बर्दाश्त करे समझो उतना मेरे को मिला क्या बात है नहीं बहुत सारी आपसे हम बात करेंगे तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आदाब हैदराबाद में हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर अदनान साजिद खान यानी गुल्लू दादा से जी। अभी हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते तो एक्टर नहीं होते तो शायद मैं कोई बिज़नेस मैन होता कुछ तो भी काम करते रहता था जैसा कि अब आप शुरू कर दिया हूँ फिर से भी अपना जो है हम जो है बिरयानी का जो बिज़नेस स्टार्ट करें हैं तो ऐसे पहले से पहले कुछ लेकिन बिरयानी नहीं रहता था क्योंकि बिरयानी तो अब नाम होने के बाद हुआ तो मैं बहुत से बिज़नेस करा मैं अच्छा। जो है ज़िंदगी में तकरीबन छः आठ बिज़नेस करा लेकिन सब में फ्लॉप अच्छा क्योंकि बोलते ना अगर आपका दिल कहीं और है दिमाग और आप कहीं और लगाना चाह रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो वही मेरे वही मेरे साथ हुआ मैं डेयरी फॉर्म डाला फ्लॉप मैं जो है ऑटो पार्ट्स बिजनेस किया फ्लॉप मैं जो है कपड़ों का धंधा करा फ्लॉप हर इसमें नुकसान उठाया मैंने वो नुकसान उठाने की एक ही वजह थी कि मेरा दिल कहीं और था मगर मैं दिमाग जो है लगाने की कोशिश कर रहा था इधर तो इस वजह से वो दोनों चीज़ टकरा के फेल हो चुका था बाद में जब इसमें आया अच्छा। लाइन में एंटरटेनमेंट लाइन में आया और कामयाबी मिली तो उसको जो है यूटिलाइज करके जो है मैं जो है एक आज जो भी थोड़ा बहुत नाम मिला है उसको जो इस्टेब्लिश करा कोशिश करा तो ये बस कुछ बोला ना अब एक्टर नहीं होते तो बिजनेस करते थे कुछ ना कुछ और क्या करते थे अच्छा एक, एक एक्टर होने के साथ साथ आप किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं थोड़ा बहुत मैं सोशल वर्क भी करता हूँ लेकिन मैं किसी को बताता नहीं अपने हिसाब से कर लेता हूँ ये मैं छोटा मोटा कर लेता हूँ जो भी है मेरे से हो सकता है और दूसरा जो है अच्छे खाने का शौक़ है <laughs> मेरे अच्छा। शौक़ में और तीसरा है गाने का शौक़ अच्छा। तो अब अब तो बाहर तो स्टेज शोज तो बंद हो गए कुछ अगर मेरे के एक्सक्लूसिव शो करता हूँ मैं कोई अगर अरेंज करते जैसे लोग करते हैं अलग अलग सिटीज़ में या जब कई जगह करा मैं गल्फ़ कंट्रीज़ तकरीबन यूएस में गया दो बार यूएस में शो करा मैं तो ये सब शोज हुए ये होता है लेकिन अब उसको कंटिन्यू रखने के लिए मैं घर में गाते रहता हूँ घर में से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग जो है अपना हिस्सा बना लिया वहाँ पे गाता हूँ आजकल तो फेसबुक पेज वेज भेज रहा हूँ लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं थोड़ा जब आपने <laughs> गाने का जिक्र किया आ, ब्रेक से पहले भी आप एज ए सिंगर ही इस्टेब्लिश होना चाह रहे थे लेकिन एक्टर बन गए तो हमारे ऑडियंस क्यों महरूम रहे आपकी आवाज़ सुने बगैर तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तेलुगु में भी आपने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं है। तो एक छोटी सी झलक हो जाए मेरे कोई याद तो नहीं है वर्डिंग्स क्योंकि एक ये जैसा कि हेलो आना ने कहो हाँ। ना कहो कि इसका तो लाइन आप कुछ दो लाइन याद है मेरे को बिल्कुल आप सुना दीजिए हेलो आना नकली निन्नु चूसी ओ चले ओ चले ओ मेरे चले ये जबरदस्त तो ऐसे थे और बहुत से सी, सी। ये भी गया था मैं मेरे को लेकिन वर्डिंग याद नहीं है अच्छा यानी आप प्रिपेयर नहीं है प्रिपेयर नहीं हूँ मैं इसके लिए तो मगर जो है हुआ ये जैसा जहाँ से एक्टिंग पे आ गए तो प्लेबैक सिंगिंग पूरे को ख़त्म हो गई अपनी अच्छा तो आजकल तो इस ट्रेंड भी चेंज हो गया आजकल सूफी म्यूजिक हाई रेंज गाने चल रहे हाई रेंज तो मेरा है नहीं उतना तो इसलिए मैं इसको छेड़ता भी नहीं उस तरफ जाता भी नहीं अच्छा तो हिंदी गानों में आ वैसे आप कौन से सिंगर को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं मैं बहुत तकरीबन सबके गाने गाता हूँ मैं पूर्ण से जो है रफ़ी साहब के गाता हूँ किशोर दा गाता हूँ मुकेश साहब के गाता हूँ सबके गाता हूँ लेकिन ज़्यादा मैं जो है किशोर साहब के स्टाइल का जो है मेरे, मेरा मेरा पसंदीदा है स्टाइल ये अच्छा <laughs> अच्छा <laughs> तो अच्छा। उनके जो है ज़्यादा कोशिश करता हूँ जो है गाने जो है उनके जो है गाने के लिए तो झलक हो जाए अरे mere naina savan baadu phir bhi mera man piyasa phir bhi mera man piyasa <acan> kya baat hai kya baat hai bahut zabardast अच्छा तो अगर मुकेश जी की कुछ झलक <laughs> मुकेश साहब के क्योंकि जिस वक्त आप ऑर्केस्ट्रा में थे जीओ, हम जीओ। भी आपके साथ शामिल हुआ करते थे तो तब की बात थोड़ी सी यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें मुकेश साहब के भी बहुत गाता था मैं गाने जो है माशाल्लाह से जो है जीना इसी कलम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है क्या बात है बहुत ज़बरदस्त अच्छा अदनान साजिद खान साहब माशाल्लाह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा लंबी है कहीं आपको लगता नहीं कि आपके जो फैंस है आप जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जाएंगे हाँ। एक डर सा लगा होता होगा डर इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज़ को फना होना है कोई चीज़ परमानेंट है नहीं दुनिया में दुनिया ही नहीं रहने वाली है <laughs> तो फैन तो दूर की बात है फैनेच नहीं रहने वाले हैं बोलने का मतलब क्या है हर चीज़ फना होने वाली है तो उसके लिए मैं इसलिए मैं बोला ना आपको मैं जब इतना नाम हो गया तो भी मैं एटीट्यूड नहीं कह रहा क्योंकि मेरे को मालूम है एक चीज़ एक दिन एक, एक सब ख़त्म होने वाला है सही है बैक टू नॉर्मल होने वाला है तो अक्सर आप देखते हैं कि डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में लोग ये वो ऐसा स्टेप खतरनाक स्टेप्स ले लेते हैं उसकी वजह क्या है मालूम आपको ये जो पॉपुलरिटी ये जो रहते हैं ना ये इसको अगर आप इधर ला लिए ना तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं आप जब ये चीज़ क्योंकि जाने तो वाली है आपका नहीं परमानेंट रहने वाली कि नहीं है आपके पास से जाने वाली है कोई नहीं रहा परमानेंट जब चले जाती ना तो उस अगर यहाँ रहा तो उसको बर्दाश्त नहीं होता अरे ये क्या यार कोई मेरे से मिल रहा नहीं मेरे साथ कोई फ़ोटो नहीं ले रहा अरे मेरे को कोई केयर नहीं कर रहा डिप्रेशन में चले जाता जा उन्हें इलीगल कामों में चले जाता जा हूँ इलीगल कामों में जाके वो जो है सुसाइड कर लेता डिप्रेशन में इसीलिए कभी भी ये जो पॉपुलैरिटीज़ ये जो सेली जो सेलिब्रिटीज जो रहते हैं इसको माइंड में जो है पॉपुलैरिटी को आने ही नहीं देना नहीं आने दिए तो आप सुकून में पहले जैसे है अभी भी ऐसे पब्लिक है पब्लिक केयर कर रही तो भी ओके नहीं कर रही तो भी ओके तो आप सुकून में रहते हैं इसीलिए मैं कभी भी इसमें टेंशन नहीं है मेरे को मालूम है एक दिन सब खत्म होने वाला तो फैन भी अब देखो है आजकल हैदराबाद डायरी शाहरुख का जो मेरे बच्चे का जो है जल रहा तो मेरे को आजकल लोग उसको पूछ रहे हैं कहीं भी कुछ मिलते शाहरुख कहाँ मिलते शाहरुख के साथ फ़ोटो लेना है शाहरुख के साथ तो ये हर चीज़ जनरेशन चेंज होते जाता हर चीज चेंज होते जाती कोई चीज़ परमानेंट तो रहने वाली नहीं है लाइफ में पब्लिसिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है देखो ये चीज़ ऐसी है ये भूख जो है ना पब्लिसिटी की ये ख़त्म होती नहीं जब तक इसकी भूख सिर्फ एक ही जने ख़त्म कर सकता वो है खबर की मिट्टी या शमशान की आग कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन इसकी जो आप इसको कैसा यूज कर रहे हैं पॉपुलैरिटी वो इम्पॉर्टेंट है आप गलत वे में यूज़ कर रहे हैं क्या आजकल देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे जिसको बोले जो है वीडियो बना के ये ये कहता हूँ अरे क्या दिस इज नॉट द राइट वे अगर आपको पॉपुलैरिटी मिली तो आप कुछ यूटिलाइज करो मोहब्बत बांटो आप लोगों में प्यार बांटो लोगों को अच्छे मैसेज दो ये करो तो आप मर गए भी तो लोग याद करते आपको कि अरे भाई चले गए और आदमी अच्छा था तो ये है लेकिन कुछ लोग इसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो मेरे को जो है बिल्कुल पसंद नहीं और ख़ास करके जो सोशल मीडिया आजकल जो इसका गढ़ बना हुआ है ये दैट इज़ नॉट गुड थिंग फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है ये अभी नहीं फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है तो इसको चेंज होना चाहिए लोगों को चेंज होना चाहिए और कोई भी ऐसे किस्म के जो है वायरल वीडियोज़ यानी जिसके किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हो किसी के भी खिलाफ़ हो अब वायरल नहीं करना ना उसको फॉरवर्ड करना समझे आप तो ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है सोशल मीडिया पे मैं इसको जो है वो करना चाह रहा हूँ इसको सोशल मीडिया का जिक्र किया है तो सोशल मीडिया के ज़रिए आर्टिस्टों को अपने फ़न बताने का मौका मिला है अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता सोशल मीडिया तो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब आप ही देख लिए ना ब्रेक बोलते मैं पहले फ़ोन ले लिया <laughs> <laughs> तो इम्पॉर्टेंट है, है। ज़िंदगी के साथ जुड़ गया ये इसमें मैं इसका कोई दो रहा है नहीं इसमें कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन इसका जो यूज़ कैसा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है तो अब देखिए सोशल मीडिया जैसे आप भी बोले अब आर्टिस्ट आजकल रात रात फेम हो जा रहा उन्हें और रात रात गैब भी हो जा रहा उसकी तो क्योंकि जो अचानक जो मिल जाती है आपको पॉपुलरिटी वो अचानक गैब हो जाती है जो नीचे से ऊपर आते लोग वो जो ज़्यादा देर टिके हुए रहते हैं तो इस सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो टाइम बिंग रहती बस वायरल जब तक चलता वो है उसके बाद फिर उसको कोई नहीं पूछता तो लेकिन इतना नो डाउट सोशल मीडिया की तरफ से आजकल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो है बाहर निकल के आ रहे लोगों को कभी कभी आप देखते हैं कोई घर में गा के कोई लेडी जो है घर में गाना गा के डाल भेज रही है इतना अच्छा गाती है सुर में गाती या कोई आदमी बीच सड़क पे ठहर के जो कोई भिकारी गारागा तो जब हाल ही में हुआ था भिखारी इतना अच्छा सोर लग रहा उसका डाल डालते वायरल हो गया वो पॉपुलर हो गया ये अच्छे चीज़ें भी देखने को मिलती है इसमें सोशल मीडिया में लेकिन सोशल मीडिया में जो पॉपुलरिटी है वो बहुत टाइम बींग रहती है और थोड़ी रहती ज़्यादा नहीं रहती वो चाहे वो लीडरशिप हो या आर्टिस्ट फील्ड में हो एंटरटेनमेंट फील्ड कौन सी भी फील्ड में हो बस एक टाइम बींग रहती है इसके बाद फिर सोशल मीडिया आने से कितने नुकसान हुए हैं और कितना फ़ायदा हुआ है नुकसान ज़्यादात हुए ज़्यादा हुए फ़ायदा बहुत कम हुआ है नुकसान ये हुए हैं कि जो है लोगों में टेंशन बढ़ गया कोई भी चीज़ आती है लोग टेंशन ले लेते अरे ऐसा हो रहा होते वैसा हो रहा पहले ये नहीं था तो सुकून में था भाई मैं बोलो ना द बेस्ट इज़ दूरदर्शन न्यूज़ में भी ले लो आप कुछ भी ले लो आप बेस्ट था वो जो बताना है वही बताते थे वो लोग गर्ज आज तो देख रहे ना तो ये, ये यार गए ऐसा चल रहा है दिस इज़ नॉट द प्रेजेंटेशन दिस इज़ नॉट द न्यूज़ सही बात मैं बता रहा हूँ ना आज भी मेरे को याद आता बचपन से जवानी तक दूरदर्शन पे जो न्यूज़ आती थी द बेस्ट न्यूज़ सोशल मीडिया से ही डिप्रेशन क्रिएट हो रहा लोगों में सोशल मीडिया इंसान को कमज़ोर कर दे रहा अंदर से खोखला कर दे रहा ये पब्लिक समझ रही नहीं इसको लिमिट से यूज़ करना है लिमिट से जब तक यूज़ नहीं करेंगे इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले फ्यूचर जनरेशन अब तो सुनने में आ रहा है कि लोगों को भूलने की बीमारी भी लग गई इसकी वजह से फ़ोन की वजह से अब तो भी पता नहीं आगे और क्या क्या सुनने को मिलेगा अच्छा हमारी इंडस्ट्री को भी सोशल मीडिया आने से कितने नुकसान है? हुए हैं नुकसान ज़्यादा हुए हैं फ़ायदा कम हुआ है थिएटरों का ऑडियंस कम हो गई थिएटर में पब्लिक नहीं आ रही पिक्चर देखने क्योंकि ऑनलाइन अब तो ओ शुरू हो गया प्लेटफॉर्म्स पूरे दूसरे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो और वो जो मज़ा आता था थिएटर को जाके फिल्म देखने का वो ख़त्म हो गया चेंज हो गया आप कुछ नहीं कर सकते अब जे ये हर दौर में एक चीज़ आती है उसको फॉलो करते लोग चलते हैं उसको अपन कुछ अपने हाथ में नहीं है कुछ भी उसमें तो वो मज़ा ख़त्म हो गया थिएटर्स का वो सब सब खत्म हो गया कुछ भी अब देखिए अब आजकल यूट्यूबर्स इतना इतना क्रिएट कर रहे हैं इंटरटेनमेंट इतना लोगों को इंटरटेनमेंट एक आम बात हो गई पहले क्या था इंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म को जाना पड़ता था वेट करना पड़ता वेट करना पड़ता था उनको तो वो लोग काम से थक थका के वीकेंड पे या संडे या सैटरडे चलो भाई आज फिल्म देखना है थिएटर को जाए वो मजा भी आता था, था उनको इंजॉय करते थे वो लोग आप फिल्म को अब वैसा नहीं रहा आप ये पूरा सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ये इंटरटेनमेंट इतना आ गया हाथ में आ गया आपके यहाँ इंटरटेनमेंट पूरा इतना आ गया कि अब आप इंटरटेनमेंट जो है वैल्यू नहीं रही कोई वैल्यू नहीं रही बस तो वो एक नुकसान हुआ है इंटरटेनमेंट फील्ड को सोशल मीडिया से अच्छा नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद खोटे सिक्के में ऐसा क्या सब्जेक्ट है अरे खोटे सिक्के देखिए आप बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है वो पिक्चर का वो पिक्चर का सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको जो है ये आजकल के जो गलियों में जो लीडर्स रहते हैं मोहल्ले के लीडर्स उसके ऊपर जो है कॉमेडी में बनाए सेंस में बनाए बहुत ही इंटरटेनमेंट भरपूर फिल्म है वो और जो है आपका भी जो है हाईलाइट सीन है आपका उसमें खोटे सिक्के में भी जानी साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा और शाहरुख का बहुत ही हाईलाइट सीन है वो नौ मिनट का सीन है वो लेकिन वो आपको नौ सेकंड का लगेगा इतना इतनी कॉमेडी है उस सीन में से, नौ सेकंड का लगेगा और मेरा देखो इनशाला बहुत बड़ा हिट होने वाला है सीन बेशक अच्छा खोटे सिक्के में आप और शाहरुख़ यानी आपके फर्जन एक साथ काम कर रहे हैं दोनों लीड में हैं तो ये जो तजुर्बा रहा आप लोगों का कैसा रहा कुछ भी नहीं है वो शाहरुख तो अभी थोड़ा नया नया यंग है अभी थोड़ा सा नया नया है तो बस कुछ समझाता था ऐसा करो वैसा करो लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस रहा सब जान जो है उसका परफॉर्मेंस देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे इस ये फिल्म में खोटे सिक्के में मेरे को इसके जो है उम्मीद है फिल्म तो काफ़ी इंटरटेनमेंट भरपूर बनी हुई है जब शाहरुख को हम देखते हैं माशाल्लाह वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है जी तो कभी आपको जब शाहरुख को देखते हैं तो थोड़ा सा जलसी ही <laughs> <नहीं। laughs> कैसा हुएगा बोलिए आप कितना बेटा है अब तो और ज़्यादा खुशी हुई अरे चलो भाई मेरे बेटे को ज़्यादा लाइक करी पब्लिक मेरे से ज़्यादा बल्कि खुशी हो रही है मेरे को तो अक्सर हमारे बेगम भी ये सवाल बोलते हैं अने जाओ आपसे नहीं मगर मैं बोलता हूँ अरे जाओ शाहरुख का नाम हमारी मिसिस बोलते हैं शाहरुख का आपसे ज़्यादा नाम है मिलियंस व्यूज़ है तो मैं इनको क्या बोलता हूँ मालूम शाहरुख को फ्री में देखते लोग मेरे टिकट दो दो हफ्ते ब्लैक लिए वाला समझे आप गुल्लू दादा रिटर्न स्टेप ये मूवीज़ दो दो हफ्ते थिएटर्स में लोग टिकट नहीं मिलता था वापस चले जाते थे दो दो हफ्ते तो पब्लिक हम टिकट लेके देखी हमारे को YouTube पे तुम्हारे बेटों को फ्री देख रहे हैं जी बोलता हैं <laughs> अच्छा <laughs> लेकिन फिर वो जवाब याद देते लेकिन आजकल चल रहा वही बोलते हैं <laughs> एक बात ये है कि स्टेपनी जैसी फिल्म फैमिली रिलेटेड फिल्म हाँ। अगर कुछ और इस तरह का सब्जेक्ट अगर हाँ, सामने आ जाए तो कहेंगे कुछ वैसे ही प्लान है मेरा अगर कुछ अच्छे से ये पिक्चर हिट हुई तो जो है अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे जो है शॉर्ट मूवीज करेंगे एक एक घंटे एक डेढ़ घंटे के फीचरें बनाएंगे अगर इसका रिवेन्यू अच्छा है तो ऐसा करने का प्लान है मेरा अब देखिए हम 2014 में आई थी स्टेपनी उसके कई लैंग्वेज़ में डब हुई पिक्चर वो मराठी में हुई गुजराती में हुई पंजाबी में हुई कई चैनलों पर चल रही पिक्चर वो मेरी एफ कुछ जो है जेमिनी पर चलती गाली सीनू नाम है उसका पिक्चर का अच्छा <laughs> तेलुगु में जो है जब मैं एफ बनाया था उसका किस्सा सुना तो आपको उसकी वजह यह थी अब लोग बोलते थे अरे क्या इनको एक ही चाहता बोले गुल्लू दादा गुल्लू दूसरा आता ही नहीं बोले अच्छा तो मैं अजीज को बोला भैया कैसा समझे तो अजीज मैं बैठ के वो पिक्चर तकरीबन दस दिन बैठ के लिखे मैं अजीज साथ में बैठ के लिखे पिक्चर वो उस टेप अच्छा पूरा पिक्चर लिखे हम लोग जो है उसको बनाए उसके बाद वो पिक्चर जो है बहुत बड़ी हिट पिक्चर हो गई वो तो आपको तो मालूम है उसमें आप भी थे वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई फिर हैदराबाद ये देखिए मैं एक बात और एक बोलता हूँ जानी साहब कि जो है मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो अल्लाह के फजल से इतना है, हैदराबादी इंडस्ट्री को कि अगर आप पिछले 2006 से लेके आज तक 14 साल में 13-14 साल में आप देखेंगे तो अंग्रेज़ के बाद आपको कुछ भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि फिल्में वो नहीं बनी जो पब्लिक को पसंद कुछ भी नहीं है एक ही चीज़ नज़र आएंगी वो आएंगी आपको गुलो दादा रिटर्न स्टेपनी फैमिली पैक दादा फोर गुलू दादा थ्री ये मेरा जो कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह ये है कि मैं फैमिली सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोर्स डिपेंड करता था और बनाता था और हर पिक्चर के एंड में एक अच्छा मैसेज रखता था मैं वो लोगों को पसंद आता था सही बात है। लोगों को पसंद आता रहे दादा की पिक्चर में एक मैसेज एक रहता अच्छा जैसा खोटे सिक्के में भी मैसेज है लास्ट में तो हर पिक्चर में ए एस के सिनेमा की जो एक मैसेज रहता वो मैसेज पब्लिक को पसंद आता था पब्लिक देखती थी और मेरे पिक्चर ए एस के सिनेमा के छः फिल्में बनी छः के छः सुपर हिट भी पिक्चरें थी तो उसकी वजह यही है कि हमारा जो सब्जेक्ट चुनने का मेरा जो आइडिया रहता वो कई बार मेरी अजीज़ नासिर डायरेक्टर अजीज़ नासिर मेरा फेवरेट डायरेक्टर है सभी फेवरेट है भाई जितने भी साथ में काम करा चाहे वो आनंद ले लो संजय पंजाबी ले लो जितने भी और नाम नहीं याद आ रहे मेरे को जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करा सब अच्छे हैं शरद रेड्डी तो लेकिन क्या है बोले तो अजीज़ नासिर का हैदराबाद की जो आवाम का जो बोलते दिख नफ्स यानी कि वो मालूम है कि जो है, इनको क्या चाहिए इसीलिए मैं अजीज़ नासिर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उनको मालूम है कि इनको क्या देना है या ऑडियंस को क्या देना है लेकिन उसमें हमारी उनकी बहस कहाँ पे होती है कि जो है कुछ जगहों पे हो जाती जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा करेंगे मानते अगर उनकी गलती है तो दोनों मानते मेरी गलती है तो मैं मान के ठीक है बोल के मान जाते वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग रंग लाई इसलिए पिक्चर इतने हिट हुए एस के सिनेमा के मेरी अजीज नासिर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी वजह से पिक्चर हिट हुए वो लेकिन एक चीज़ ये है कि आप रिवायती अंदाज की ही एक्टिंग करते हैं लोग अक्सर बोलते हैं इस बारे में आपका क्या ख्याल है अभी देखिए मैं बोलते हैं ना भाई कि लोगों को एक चीज़ पसंद आती है उन्हें हट के करने गया तो उसको जो है पसंद नहीं करते बोलते वैसे मेरे एक छाप पड़ गई है गुल्लू दादा दा बोलते कॉमेडी नथिंग एल्स बस अगर मैं कुछ भी करने जाऊँ तो उतना नहीं पसंद करेंगे जितना कॉमेडी समझ अब अब जी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ये पसंद नहीं लोगों को ये पसंद ऐसा तो ये स्टाइल पसंद है वो स्टाइल पसंद है लोगों का मैं दूसरा करने जाऊंगा तो लोगों को पसंद ही आ रहा वजह यही है तो मेरे को मजबूरन वही करना पड़ा <laughs> बंधे गया हूँ फिर भी कोशिश करा मैं गुल्लू दादा से हट के जो पिक्चरें करा मैं स्टेपनी जब भी मिस स्टेपनी में मैं जो एक फैमिली का एक ऐसे आदमी का बीवी से डरने वाला आदमी जो रहता उसका रोल करा मैं लोग बहुत अप्रिशिएट करें बहुत पसंद करें तो आम जिंदगी में आप कैसे हैं मतलब बीवी से डरते हैं या फिर कौन नहीं डरता ये होगा बताओ कौन है <laughs> नहीं। कौन है कोई है माई कलाल जो अपनी बीवी से नहीं डरता अच्छा नहीं नहीं एक चीज ये भी है बीवी से कौन डरता साहब बीवी के मारों से डर क्यों करते नहीं खैर मारो तक तो नहीं खाली मारने की जरूरत ही नहीं खाली घूरे तो बस है अच्छा हाँ खाली घूरे तो बस ठहरे जगह से हिलना नहीं आप क्या मैं होम मिनिस्टर ही है ना ओ और यस फिर अच्छा मैं चाहता हूँ कि कुछ डायलॉग जो आपको याद आते हैं थोड़ा हमारे ऑडियंस को शेयर करें जो भी है आपके फेमिलियर जो डायलॉग्स है दे, दे, मेरा एक डायलॉग जो वो सुना देता हूँ जो काफी बहुत लोगों को हिट है वो अमिताभ बच्चन का वो फीचर्स एफ एम एफएम एफ का जी वो फोटो बनाने का सीन जो है बुला के समझाता हूँ मैं पेंटर को कि फोटो ऐसे उतरना उसको देख के वो अमिताभ बच्चन है ना उसकी फोटो शर्मा जाना बाला मेरे बादलों के जैसे घने उतरना अंगार आँखों में मेरे अंगार होना अंगार और सीना शेर के जैसा उतरना मैं जो बोला वो एक एक चीज़ वैसी उतरना एक में भी जरी सी भी गलती करेंगा तो अगले टाइम तू बुरश पकड़ने के काबिल ले रहेगा। दादा रिटर्न्स का कुछ <laughs> <laughs> उसके गुल्लू दादा रिटर्न्स के मेरे तबर के जो थे ज्यादा, ज्यादा कॉम्बिनेशन हम दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा लोग पसंद करते तबर का मेरा तो जो है उसमें भी है, आए हैं आए देखचा ठंडा चमचा गरम पीछे हट <laughs> तो ये बहुत ये भी बहुत हिट हुआ था देखचा ठंडा चमचा गरम जो है भाई वो दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोलता देखो तबर बैठ दूल्हा ठंडा नहीं होता खाना ठंडा हो जाता <laughs> और अगर पहले टेबल पे नहीं खाया तो मेरे को खाई जैसा नहीं दिखता समझाना <laughs> ये भी <इत्वार। laughs> बिल्कुल बहुत बहुत <laughs> तो इतफाक़ से क्या हुआ जानी साहब मैं आपको बोलता हूँ हमारे राइटर सलमान हैदर अजीज़ नासिर सो मिल लिखते थे तो बहुत से चीज़ें ऐसे है जो मई स्पॉट पे इम्प्रोवाइजेशन करा तो वो ज्यादा हिट हो गए अरे क्या बात? जैसे कि जो है इमरान हाशमी का डायलॉग था एफ एम का अच्छा, हाँ। वो डायलॉग क्या लिखे थे कि जो खाली तेरे चक्कर में पहले जाके घर में देख वो कौन रहा जा रहा खाली हाँ। ही था तो मैं इसको चेंज कराता हूँ इमरान हाशमी लगाया मैं इसके अंदर वो इतना हिट हो गया खाली पीली तेरे बीवी के चक्कर में मेरे आदमी की फोड़ दिया ना नारे बैल पहले जाके घर में देख वो कौन इमरान हाशमी आ रहा जा रहा हाँ ये बहुत क्या बात है ज़बरदस्त सीट यहाँ थालियाँ बज रहे थे थिएटर में मैं खुद जाके पे दस्ती लगा के कैप लगा के थिएटर में जाके ठहर के देखता था पब्लिक का रिएक्शन तो ए, एक और भी चीज़ हम ऐड करेंगे गुल्लू दादा थ्री में मेरा जो आईडी का कैरेक्टर था <laughs> उसमें आपने डायलॉग जो दिया था तबर को <laughs> वो भी जरूर शेयर वो भी स्पॉट था जॉनी साहब आईडी रहते एकदम तो मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चे वो तो बाजू से बना आप भी बोले ना आजीवन आई दी है बल्कि चलते चलते हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे जो भी इस फील्ड को चुनना चाह रहा है या इसको करियर बनाना चाहता है उसके लिए क्या कहेंगे आप प्रेजेंट हालात के हिसाब से तो मैं <laughs> यही बोलूँगा कि भाई ज़रा दूरी रहे तो ठीक है फिल वक्त फिल वक्त तो दूरी रहे तो ठीक है लेकिन इस लाइन में चाहे वो आर्टिस्टिक इंटरटेनमेंट फील्ड में जो भी आना चाह रहे हैं मैं उनसे एक ही एडवाइस हमेशा देता हूँ वो भी आज भी यही देगा कि नौजवानों के लिए खास करके चाहे लड़की हो या लड़के हों कि कुछ जॉब करते हुए या कुछ छोट बिजनेस छोटा मोटा ही सही करते हुए इसको अपना हॉबी के ऐसा यूज़ करिए तो अच्छा है नहीं तो बहुत परेशानियां झेलनी है, पड़ती हैं क्योंकि हम झेले हैं हमारी फैमिली झेली है तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में जनरेशन झेले वो इसलिए मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि बच्चों को कि शौक़ है गाने का एक्टिंग का शौक़ है करो लेकिन कुछ जॉब करते हुए करो या कुछ बिजनेस करते हुए करो भाई कोई अपॉर्चुनिटी आ गई बड़ी जब चेंज कर दो भाई आप स्टार बन गए अब मेरे को काम के वो उसमें जब तवज्जो दो लेकिन उससे पहले डायरेक्ट अगर इसी के भरोसे रहेंगे ये फील्ड के भरोसे तो ये फील्ड जानी भाई खून के रुलाती है तो वायरल बहुत बहुत शुक्रिया आप आए इतना वक्त दिया जानी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास करके मेरे यादगिरी दूरदर्शन वालों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे बचपन की जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी हुई <laughs> दूरदर्शन में आने की सही बात थैंक यू थैंक यू वेरी मच खुदाफि तो नाजरीन आज के लिए इतना ही एक और तामीरना सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी अल्लाह